हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना है और जब उससे बढ़ जाता है। अच्छा, अब टेम्परेचर की जो है दो टाइप्स भी मैं आपको बताती जाऊँ, एक होता है हाइपोथर्मिया और एक होता है हाइपरथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया वो होता है जो इसमें बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, और हाइपोथर्मिया जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आज हम देखेंगे कि रूट कौन कौन से हैं टेम्परेचर के, नॉर्मल रेंजेस और उसकी साइड्स कौन सी हैं, फिर टेम्परेचर कौन कौन से, हाई ग्रेड कितना होता है, मॉडरेट कितना होता है और माइल्ड कितना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर के रूट क्या हैं, ओरल, फिर आ जाएगा टम्पैनिक, रेक्टल और एक्सिला। ओरल मुंह से, टम्पैनिक कान से, और फिर रेक्टल जो है ये रेक्टल जो है पखाने का जो रास्ता है वहाँ से, और एक्सिलरी बगल से हम चेक करेंगे। सही है, तो ये आपके सामने ये हो गया। और ओरल जो है, ओरल नॉर्मल रेंज कितनी है हमारे पास, 98.6 जो है ओरल में जब हम चेक करते हैं माउथ से, ये साइड्स लिखी हुई हैं, तो कितना है 98.6 नॉर्मल होता है। और टम्पैनिक में जो कान, इसका साइड देख लें कान से है, तो ये 99.6 जो है ये क्या होता है, ये नॉर्मल कहलाता है। फिर आ जाता है रेक्टल, 99.6 ये भी 99.6 होता है, और ये रेक्टम से हम चेक करते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा एक्सिलरी, यानी कि ये एक्सिलरी यानी कि एक्सिला से हम बगल से चेक करते हैं, तो ये कितना 97.6 जो होता है ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको साइड्स और उसके रूट्स और उसकी नॉर्मल रेंजेस हमने बता दी हैं। सही है, फिर उसके बाद आ जाता है हाई ग्रेड फीवर कितना होता है। तो ओरल में स्टूडेंट्स हाई ग्रेड जो फीवर है 0.25 फॉरनहाइट, ये जो है ये हाई ग्रेड फीवर होता है। और अंडर ग्रोइन मतलब जो एक्सिला से है वो कितना 0.2, ये भी हाई ग्रेड फीवर में ही आएगा। और रेक्टल से 0.3 होगा तो ये हाई ग्रेड फीवर में आएगा। तो फिर मॉडरेट की भी रेंज देख लेते हैं। तो मॉडरेट में स्टूडेंट्स ओरल में 0.1.5 आएगा, और तो ये मॉडरेट, और 0.2 तक भी ये मॉडरेट रेंज में ही आता है। और अंडर आर्म यानी कि एक्सिला से चेक करेंगे तो 0.1 आएगा या 0.2, तो ये मॉडरेट में ही आएगा हमारे पास। और रेक्टल में चेक करेंगे तो 0.2 और 0.3, तो ये क्या है हमारे पास मॉडरेट की रेंजेस आ गई। ठीक है, फिर आ जाएंगी माइल्ड, यानी माइल्ड कम जो होता है ना, कम दरमियाने दर्जे का, तो वो ये दरमियाने दर्जे का और ये कम। अब ओरल में अगर आप चेक करेंगे तो 100 आएगा या 101 आएगा, तो ये क्या है माइल्ड फीवर है हमारे पास सारी रेंज। आप किसी को बताएंगे भी, डॉक्टर को भी, किसी को बताएंगे तो आप बताएंगे चेक करके कि ये माइल्ड है। फिर उसके बाद है अंडर आर्म में कितना आएगा माइल्ड, 99 या 100, 0.1, तो ये माइल्ड में ही आ रहा है। सही है, फिर आ जाता है रेक्टम, रेक्टम से कितना आएगा 0.4 और 0.2, तो ये क्या है, ये माइल्ड में ही आएगा, क्योंकि रेक्टम में ज़्यादा टेम्परेचर कॉन्ट ज़्यादा होती है हिद्दत गर्मी की, तो इस वजह से जो है इसमें एक मतलब 100.4 जो है वो, और 100.4 से लेके 0.2 यानी कि नहीं 0.2 तक जो है वो माइल्ड में ही काउंट होगा। तो ये एक टेम्परेचर का चार्ट था जो आपके साथ मैंने आज शेयर किया है। तो आप इसकी रेंजेस वगैरह को अच्छे से देख लीजिएगा, साइड्स को भी, नॉर्मल रेंज क्या है, हाई और मॉडरेट और माइल्ड को भी देख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।